ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब वो लड़की खुद को सजा देने लगती है। वो कई मर्दों के साथ जबरदस्ती गपागप करवाती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है द पनिशमेंट, जो 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते है। लूसी अपने पेरेंट्स से छुप के अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते है। वहाँ उसके फ्रेंड उसे जबरदस्ती शराब पिलाते है। वहाँ एक लड़का लूसी के करीब आने की कोशिश करता है, पर लूसी उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि लूसी बहुत ही लेट हो गई थी। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर पहुंचती है। लूसी का फादर ये सब देख रहा था। लूसी जब घर में आती है तब उसके फादर उसे डांटने लगते है। वो लूसी के कपड़े कैंची से फाड़ देते है और उसे पनिश करते है और उसे घर के बाहर खड़ा कर देते है। वो लूसी से कहते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लूसी को बहुत दुख हो रहा था। लूसी के डैड को लूसी की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो विंडो से पूरी रात लूसी पर नजर रखते हैं। लूसी के डैड एक पुलिसमैन थे, इसलिए वो लूसी को सुधारना चाहते थे, मगर लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अगली सुबह फिर से लूसी के डैड लूसी के पास जाते है और लूसी को एक टास्क देते हैं, पर लूसी उस टास्क को पूरा नहीं कर पाती और जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। अब ये देखकर लूसी के डैड लूसी को उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम उसके हाथ में पट्टी बांध देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ही खराब हो गया था। लूसी की मॉम लूसी का मूड ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोनों बेटियों को एक लेक पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो तीनों बहुत ही मस्ती करती है। घर जाते समय लूसी कार चला रही थी, तभी रास्ते में उन्हें दो बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। लूसी की मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मॉम पर चढ़ जाती है और उन्हें बहुत चोट लग जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन दोनों उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है, जो लूसी के फादर का दोस्त था। वो लूसी को बताता है कि उसकी मॉम कोमा में है और बहुत ही कम चांस है कि वो कोमा से बाहर आएगी। फिर लूसी अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर काफी बुरा फील करती है। लूसी की मॉम कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफी ज्यादा दुखी थे। वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी की मॉम की बहन के पास भेज देते हैं। लूसी की मॉम का एक्सीडेंट लूसी की वजह से हुआ था और इस बात से लूसी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, पर उसके डैड मना कर देते है। वो कहते हैं तब वो तय करेगी कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से बहुत ही नाराज थी और अपने डैड से भी बहुत ही नाराज थी। लूसी अब तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और अपनी पैंट फाड़ देती है और इसके बाद वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आती है जिसमे 4 लड़के थे। वो लूसी को लिफ्ट देते है और लूसी को बीच में बिठा देते है। उन चारों में से एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो लूसी अपनी टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर वो चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का लूसी के अंगों को टच करने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। ये देखकर वो चारों लड़के लूसी को कार से नीचे उतार देते है। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेली थी, पर तभी उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। लूसी उसे कहती है कि जब उसकी मॉम को होश आएगा तब वो वापस आएगी। वो अपनी छोटी बहन से ये भी कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई है। इसके बाद जब लूसी जा रही थी तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैक में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आके रुकती है। गाड़ी में एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन था। वो लूसी की मदद करता है और लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते है। लूसी उसे कहती है कि यहाँ मुझे कोई काम चाहिए, पर बेन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि यहाँ का काम बहुत ही मेहनत वाला है और तुम ये नहीं कर पाओगी, पर लूसी कहती है कि मैं कर लूंगी। फिर बेन उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है, तब लूसी एक फ्रीजर रूम में जाती है। उस रूम में बेन का एक फ्रेंड काम करता था, तो लूसी उसके पास जाती है और उसे उसके साथ गपागप करने को कहती है और ये भी कहती है कि वो उसे बहुत टॉर्चर करे, पर वो लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लूसी उसे फोर्स करती है, पर वो लड़का वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद लूसी अपने आप को उस फ्रीजर रूम में बंद कर देती है और उस रूम का टेम्परेचर काफी कम था, इसलिए लूसी की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ बेन आता है और उसे वहाँ से बाहर चलने को कहता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि मैं यही रहूंगी। तो बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ रूम में बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब यही रहूंगा। थोड़ी देर बाद लूसी मान जाती है और वो दोनों बेन के घर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहाँ वो दोनों बातों के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी के फादर को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। यहाँ बेन लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और उनका लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी था। अब ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि यहाँ उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए अगली सुबह लूसी बिना बहन को बताए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लूसी के डैड अपनी छोटी बहन के साथ लूसी को ढूंढने निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को यही चाहिए था क्योंकि वो खुद को सजा देना चाहती थी। इसके बाद वो अपने फोन को चालू करके अपने पॉकेट में रख देती है, जिसे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे फिजिकल टॉर्चर करे। इसके बाद वो आदमी लूसी के साथ गपागप करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ लूसी के डैड लूसी के फोन को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो आदमी गाड़ी की आवाज़ सुन के वहाँ से चला जाता है और लूसी को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। लूसी अपने डैड से बहुत ही नाराज थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। लूसी के डैड लूसी से माफी मांगते हैं और लूसी को वापस अपने घर लेकर आते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।